प्रीवियस व्लॉग यानी उज्जैन दर्शन यात्रा के पार्ट टू में मैंने सबसे पहले दर्शन करवाए उज्जैन के उस स्थान की, जहां पर भगवान कृष्ण ने बलराम जी और सुदामा जी के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि उज्जैन का सांदीपनी आश्रम। इसके बाद मैं पहुंचा उस स्थान पर जहां लोग आते हैं कुंडली के मंगल दोष की पूजा करवाने, यानी श्री मंगलनाथ मंदिर। वहां दर्शन करने के बाद मैं पहुंचा कालिया देह पैलेस और वहां किए सूर्य देव की सुंदर प्रतिमा के दर्शन और साथ ही देखा कालिया देह महल के पास स्थित बावन कुंड को। फिर मैंने दर्शन किए अति प्राचीन पवित्र सिद्धवट मंदिर के और वहां से पहुंच गया दर्शन करने उज्जैन के दूसरे सबसे प्रसिद्ध मंदिर में, यानी काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात मैं पहुंचा प्रसिद्ध गढ़ कालिका मंदिर, जहां काली माँ की कृपा से महामूर्ख व्यक्ति बना महाविद्वान कवि कालिदास। और अंत में मैं पहुंचा राजा योगी भर्तृहरि जी की तपस्थली भर्तृहरि गुफा में। अब देखिए आगे। तो कल हो गई थी रात, इसलिए आज फिर से आ गया हूँ उस स्थान पर जहाँ था मैं कल रात। और अब बढ़ रहा हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर राम जनार्दन मंदिर की ओर, जो है बस थोड़ी ही दूर। राम जनार्दन मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा जयसिंह ने करवाया था। अब बाकी बातें मंदिर के अंदर पहुँच कर बताऊंगा जब आपको मंदिर दिखाऊंगा। ये रहा सामने राम जनार्दन मंदिर का प्रवेश द्वार, जो अंकपात क्षेत्र के अंदर ही है। राम जनार्दन मंदिर के पास ही है श्री चित्रगुप्त धाम का ये प्रवेश द्वार, और इस तरफ है श्री सिद्धवीर तांत्रिक हनुमान जी का मंदिर, और ये है श्री राम जनार्दन मंदिर अंकपात क्षेत्र के अंदर। ये है मंदिर का आंतरिक भाग, मंदिर परिसर ऐसा है। बहुत सारे तीर्थ स्थानों के जैसे यहाँ भी लोग जो हैं पत्थरों के घर बना के गए हैं, ऐसी कामना करते हैं कि ऐसे यहाँ वो घर बनाएंगे तो उनका सपनों का घर भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ही बन जाएगा। ये देखिए, ये है श्री राम जानकी मंदिर, पत्थर से निर्मित यह मंदिर है, और बाहरी दीवारों पर आप देख सकते हैं इस मूर्ति को, ये यहाँ स्थापित है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नाली, इससे मंदिर में जब धुलाई की जाती है, सफाई की जाती है, तो जल जो होता है वो इससे बाहर आता है। आधार वाले भाग के अंदर आप देख सकते हैं ये हाथी बनाए गए हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है नक्काशी, और इस तरफ है श्री विष्णु जनार्दन मंदिर। ये देखिए, तो सबसे पहले यहीं दर्शन करते हैं। यहाँ विराज रहे हैं हनुमान जी, सिंदूर से सुशोभित प्रतिमा है। ये देखिए आप, जय बजरंगबली। ये है बजरंगबली की छतरी या छोटा मंदिर, और इस तरफ आप देखिए बिल्कुल अनोखी प्रतिमा देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। ये देखिए, दाढ़ी मूंछ वाले वनवासी प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भ्राता हैं साथ में, और सामने की तरफ आपने अभी दर्शन किए थे हनुमान जी के। लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर की दीवार जो है उस पर ये बनी हुई हैं प्रतिमाएं। इस तरफ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु, और साथ में है माता लक्ष्मी। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं दूसरे मंदिर के। जय श्री राम। अब दर्शन करते हैं श्री विष्णु जनार्दन मंदिर में, जो कि अति प्राचीन है, और यहाँ पे जो दर्शनीय प्रतिमाएं हैं वो है गजलक्ष्मी जी की, सौभाग्य लक्ष्मी जी की, वैभव लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, गरुड़ देव की, विष्णु सागर व नौ नारायण में लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं। यह भी अति प्राचीन मंदिर है, और जो मंडप है वो ऐसा है। ये देखिए आप, यहाँ पे है भगवान गणेश की प्रतिमा, इस तरफ है भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में, और ये है कलात्मक द्वार गर्भगृह का। ये देखिए आप, यहाँ विराज रहे हैं प्रभु। सबसे पहले दर्शन कीजिए आप गरुड़ भगवान के, प्रभु के चरणों में। कुबेर जी हैं, धन लक्ष्मी माता है, वैभव लक्ष्मी माता है, सौभाग्य लक्ष्मी माता है, और प्रतिमा में आप देख सकते हैं साक्षात खड़े हैं भगवान विष्णु। शालिग्राम शिला से निर्मित है यह शानदार प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा, भव्य प्रतिमा।
यहाँ है लड्डू गोपाल जी, और इस तरफ आप शालिग्राम जी के दर्शन कर सकते हैं। जनार्दन जी भगवान के दर्शन आपने कर लिए हैं, और आप देखिए यहाँ पर इनके ठीक सामने है यहाँ पर एक कुंड जिसमें पहले स्नान किया जाता था। एक जो मंदिर है वो इस तरफ है, यह थोड़ा झुका हुआ है मंदिर, ये देखिए आप देख सकते हैं हल्का सा झुकाव है। और एक मंदिर जो है वो इस तरफ दिखाई दे रहा है, तो पहले ये वाला मंदिर देखते हैं। ये देखिए, और यह खुला क्षेत्र है यहाँ पे। उज्जैन में जो 84 मंदिर हैं महादेव जी के, उनमें से दो मंदिर यहाँ पर हैं। कुसुमेश्वर महादेव मंदिर जो है वो इस तरफ है, जो भगवान जनार्दन जी का मंदिर है उसके ठीक नीचे। ये देखिए, जय हो कुसुमेश्वर महादेव जी की, भोलेनाथ और माता पार्वती जी की यह प्रतिमा अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के ठीक पास में ही भगवान विष्णु का एक और प्राचीन मंदिर है छोटा सा, और आप देख सकते हैं यह प्राचीन प्रतिमा भगवान विष्णु की। शिवेश्वर महादेव मंदिर जो है वो इस तरफ है। 84 मंदिर जो हैं भोलेनाथ के, उनमें से 37वां नंबर है। भगवान राम का मंदिर है, दाढ़ी मूछ वाले सन्यासी जो भगवान राम वाला अवतार है उसके ठीक नीचे। ये देखिए, ये विशाल शिवलिंग है शिवेश्वर महादेव जी का। जय भोलेनाथ। राम जनार्दन मंदिर के पीछे यहाँ है विष्णु सागर, जो पुण्य नगरी उज्जैन के सप्त पावन सरोवरों में से एक है। और ये है राम जनार्दन मंदिर के पीछे वाला भाग। राम जनार्दन मंदिर के दर्शन के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जो कहलाता है चिंतामन गणेश मंदिर। यह मंदिर उज्जैन के अन्य मंदिरों से दूर अलग दक्षिण पश्चिम दिशा में शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर स्थापित गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। चिंतामन गणेश मंदिर का निर्माण 11वीं-12वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि मूल मंदिर रामायण काल का है और चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना माता सीता जी ने स्वयं की थी। सामने दिख रहा है शकुंतला द्वार, जिसे करना होगा पार, क्योंकि इसके थोड़ा आगे ही है चिंतामन गणेश मंदिर। तो आ पहुंचा हूं मैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर में, अब चल के करते हैं दर्शन। प्रसाद की पूजन सामग्री की यहां बहुत सारी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। शाम का समय है अभी। इस तरफ भी गणेश जी की प्रतिमा है, लेकिन आगे जाना होगा हमें, क्योंकि मंदिर है वहां। ये देखिए, यहां उतार सकते हैं आप अपने जूते और चप्पलों को और आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये है मंदिर परिसर। प्रवेश द्वार से आगे आने पर यहाँ पे आता है हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, जय बजरंग बली। ये देखिए, वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लाइन में लगना होगा। तो इस तरफ है विघ्नहर्ता गणेश जी का मंदिर और लक्ष्मण जी की बावड़ी। मान्यता है कि श्री चिंतामन गणेश, श्री इच्छामन गणेश और श्री सिद्धि विनायक जो ये स्वरूप है गणेश जी के, विघ्नहर्ता गणेश जी के, इनकी स्थापना प्रभु श्री राम सीता माता लक्ष्मण भ्राता द्वारा उज्जैन वनवास के दौरान की गई थी, क्योंकि वो यहाँ पे आए थे, यहाँ विश्राम किया था। और जब माता सीता को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने धरती पर तीर मारकर जल प्रकट किया था। इसी वजह से यह बावड़ी जो है लक्ष्मण बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, काफी प्राचीन है यह। ये देखिए, भक्तों की लाइन लगी हुई, आज बुधवार है इसलिए भीड़ ज्यादा है। और यहाँ पे है भोलेनाथ।
चलिए अब यहाँ से चलते हैं हरसिद्धि माता की शक्तिपीठ में। ये है हरसिद्धि चौराहा। और वहाँ सामने दिखाई दे रहा है हरसिद्धि माता का मंदिर, शक्तिपीठ है ये एक। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है क्योंकि यहाँ पर सती माता की कुहनी गिरी थी। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। आइए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने दिखाई दे रहे हैं दो दीप स्तंभ, जिनमें से एक स्तंभ दूसरे से थोड़ा बड़ा है। ये देखिए, राइट साइड वाले की ऊंचाई लेफ्ट वाले से थोड़ी ज्यादा है। कुछ लोग इन्हें शिव शक्ति का प्रतीक मानते हैं तो कुछ इन्हें नर नारी का प्रतीक बताते हैं। और फिलहाल आपको इन दोनों दीप स्तंभों पर चढ़े हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कर रहे हैं इन दोनों दीप स्तंभों में लगभग 1100 दीपों के प्रज्वलन की तैयारी, यानी इन दोनों दीप स्तंभों पर बने दीपकों में तेल और बाती लगा रहे हैं। एक बार के प्रज्वलन में दोनों स्तंभों के दीपकों में लगभग 60 लीटर तेल लगता है। बहुत सारे भक्त तो स्पेशली शाम को दर्शन करने आते हैं ताकि हरसिद्धि माता के दर्शन के साथ इन दीप स्तंभों पर जलते दीपों का अद्भुत दृश्य देख सकें। देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। जब तक इनकी तैयारी चल रही है तब तक हरसिद्धि माता के दर्शन कर लेते हैं। हरसिद्धि माता उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। कहा जाता है कि हरसिद्धि माता की प्रतिमा को सम्राट विक्रमादित्य गुजरात के पोरबंदर से 48 किलोमीटर दूर मूल द्वारका के पास, जहां हर्षद माता का मंदिर है, वहां से आराधना करके उज्जैन लाए थे। तब माता ने उनसे कहा था कि मैं रात में तो तेरी नगरी में रहूंगी, लेकिन दिन में मैं इसी स्थान पर वास करूंगी, यानी जहां पर हर्षद माता का मंदिर है वहां। इस तरह माता दिन में गुजरात में और रात में उज्जैन में निवास करती हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव के आह्वान पर देवी माँ ने चंडी रूप धारण कर चंड और मुंड नामक दो असुरों का वध किया तो शिव जी ने कहा कि चंडी देवी, अब आप हरसिद्धि नाम से जानी जाओगी। तो इस तरह माता का यह नाम प्रसिद्ध हुआ। हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद अब करते हैं परिक्रमा और देखते हैं यहाँ के अन्य मंदिर। ये देखिए, ये है हरसिद्धि माता मंदिर का पिछला भाग। कर्कोटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे। यह उज्जैन के 84 शिव मंदिरों में 10वें नंबर का शिव मंदिर है। तो अब दर्शन करते हैं शिवपुत्र यानी गणेश जी के मंदिर के, जो कहलाता है चिंताहरण गणेश मंदिर।
हरसिद्धि मंदिर परिसर में समस्त दर्शन के बाद अब मैं आ गया हूँ इस स्थान पर जहाँ से दोनों दीप स्तंभों को अच्छी तरह से देख सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से यह जगह बनाई है मैंने, क्योंकि अब काफी संख्या में भक्त आके बैठ गए हैं दीप स्तंभों का प्रज्वलन देखने। पिछली बार जब यहाँ दर्शन करने आया था तो दीप प्रज्वलन नहीं देख पाया था, इसलिए इस बार तो यह अद्भुत दृश्य देखने आना ही था। तो लीजिए, हो गई है शुरुआत दीप प्रज्वलन की। बहुत ही फुर्ती और कुशलता से ये लोग दोनों दीप स्तंभों के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तेल से चिकने हो चुके स्तंभों पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान नहीं है। दीप माली का पूरी तरीके से चेतन हो चुकी है, श्रद्धालु वर्ग कृपया ध्यान दे, भीड़ में जीव पत्रों से सावधान रहे आप लोग। अब देखिए है ना कितना अद्भुत दृश्य। साक्षात देखना चाहते हैं तो पहुंच जाइए हरसिद्धि माता की शक्तिपीठ में। आ गया हूँ मैं हरसिद्धि माता मंदिर से बाहर और यहाँ से जाऊंगा भूखी माता मंदिर में दर्शन करने। लेकिन उससे पहले यहाँ पास में जो रुद्र सागर है वहाँ से आपको मैं हरसिद्धि माता मंदिर का सुंदर दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए है ना कितना सुंदर नजारा, प्यारा प्यारा। मैं पहुंचा हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है भूखी माता मंदिर। ये देखिए सामने दो दीप स्तंभ है। शिप्रा नदी के तट पर ही यह मंदिर है, लेकिन यह दूसरी तरफ स्थित है। रामघाट जो है वो अपोजिट साइड में है। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, माता के दो स्वरूप हैं। देखिए भूखी माता क्यों कहा जाता है, पंडित जी से ही मैं जानता हूँ। राजा का भक्षण करती थी। राजा का? उज्जैन के जो राजा होते थे या कहीं और के? उज्जैन के। तो क्या कारण था मतलब? मतलब इनका कहना ये है कि बता हमारे अलावा कोई दूसरा कोई राजपाट नहीं करेगा क्या? अच्छा, ये चौसठ युग में शेष माता आई। तो ये दो स्वरूप कैसे हैं माता के? दोनों बहने भूखी माता, भुवनेश्वरी माता, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी माता और भूखी माता। जो सम्राट विक्रमादित्य थे उन्होंने इनको दोनों माताओं को प्रसन्न किया था, खिला पिला के खुश किया था। फिर वो चीज बंद करी जो राजा का भक्षण करती। तो माता ने फिर राजा का भक्षण बंद कर दिया था, उसके बदले में मुर्गे बकरे की बलि होती है। आज भी यहाँ बलि दी जाती है ऐसा मुझे बताया है पुजारी जी ने। भूखी माता मंदिर से मैं आ पहुंचा हूँ उज्जैन के एक और प्राचीन मंदिर जो कहलाता है 24 खंबा मंदिर। अभी हो रही है आरती, यानी कि मैं बिल्कुल सही समय पर यहाँ आया हूँ। इस मंदिर में माता के दो मंदिर हैं। राइट साइड में है बड़ी माता महामाया जी का मंदिर और लेफ्ट साइड में इस तरफ है छोटी माता महालाया जी का मंदिर। पहले यहीं से महाकाल वन और महाकालेश्वर मंदिर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग था, ऐसा मुझे स्थानीय लोगों ने बताया है। इसमें लगे 24 खंभों की वजह से ही यह 24 खंभा माता मंदिर कहलाता है। ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू पहली बार जो चैनल पे आए हैं उनसे मेरा इतना ही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को, चुन लें ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो ये आईडी डिस्प्ले हो रही है, इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय महाकाल, जय भोले।